सो बच्चों, अपन आ गए थे व्हाट इज जेनेटिक्स पर। हमने पढ़ लिया था जेनेटिक्स क्या होती है। आपको भी पता है जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स जीन की स्टडी। वेरिएशन, हम समझ रहे हैं किस तरीके से वेरिएशंस क्रिएट हो रही है बहुत सारे इंडिविजुअल में। हमें ये भी पता है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन है ना, ईच एंड एवरी ह्यूमन इस प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर होगा तो क्या होगा, नए नए कॉम्बिनेशन होंगे। हमें पता है नए नए कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के ये गैमेट बन जाते हैं। ये देखो नए नए कॉम्बिनेशंस बैठ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, रिकॉम्बाइंड है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, मेरे को बताना कि व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एनिमल। या मैंगो जो है, सीड जो है, वो मैंगो ही प्लांट क्यों बनाता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है, आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन, मतलब एलिफेंट के जो जीन है, ठीक है, वो एलिफेंट के जीन ही, एलिफेंट जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना इस वर्ल्ड में, ऑल ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई भी हो वो, चाहे स्मॉलेस्ट हो चाहे लार्जेस्ट हो, सबके अंदर मियोसिस होगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, पर जितने भी हैं, प्लांट, एनिमल, फंगस, जो भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है, कई बार नहीं भी होता है, सेक्सुअल भी होता है कई बार, लेकिन जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वहां मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, और गैमेट बनेगा तो वही क्या होगा, क्रॉसओवर होगा। क्रॉसओवर से क्या बनेंगे, नए नए रिकॉम्बिनेशन, एंड ये नए नए रिकॉम्बिनेशन ये जो बन रहे थे, हमने पढ़ा था कि ये पैटर्नल रिकॉम्बिनेशन एंड ये मैटर्नल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये ग्रैंडफादर का रिकॉम्बिनेशन वाला गैमेट था, ये ग्रैंड मदर का रिकॉम्बिनेशन वाला गैमेट था, एंड ये मैटरनल ग्रैंडफादर का रिकॉम्बिनेशन वाला गैमेट था, ये मैटरनल ग्रैंड मदर का रिकॉम्बिनेशन वाला गैमेट था। फिर कोई रैंडम गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो फादर बनाते हैं, फादर का जो जीन है वो, फादर का जो जीनोटाइप है वो बनेगा। एंड कोई रैंडम ये फ्यूज हो जाए, ये कोई भी रैंडम एंड मदर का बन जाएगा, एंड फिर फादर के गैमेट्स बनेंगे, फिर मदर के गैमेट्स बनेंगे, एंड वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो सब में यही है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई नया प्रोसेस चल रहा है, सबके अंदर यही है। दैट्स व्हाई एलिफेंट है। तो एलिफेंट का जो हमने पढ़ा था ना कि 23 हमारे जो क्रोमोजोम थे ह्यूमंस में, ऐसे एलिफेंट के भी कुछ क्रोमोजोम होंगे, सबके अंदर वही क्रॉसिंग ओवर होगा। तो एक इंडिविजुअल अपने जैसे ही इंडिविजुअल को रिबर्थ करता है। मैंगो, मैंगो सीड से मैंगो ही बनेगा, एलिफेंट से हमेशा एलिफेंट ही बनेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस ऑफ जीन है। व्हाट डज इट मीन कि ये इस तरीके से हमने कैरियोटाइप, ह्यूमन का कैरियोटाइप देखा है हमने बच्चों, जो आपको फोटो दिखा रही थी बार बार, है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई की, वो ह्यूमन का कैरियोटाइप था। लेकिन हर इंडिविजुअल का कैरियोटाइप होता है, एवरी इंडिविजुअल हैव कैरियोटाइप। क्यों होगा कैरियोटाइप, क्योंकि सबकी सेल है बॉडी में, और सबके बॉडी के अंदर क्या है, जीन है, और सबकी बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे क्रोमोसोम बने हुए हैं। ठीक है, सबके क्रोमोसोम है, हमारे 23 पेयर थे, बाकी सबके अलग अलग होंगे, पर सबके क्रोमोसोम है तो सबके कैरियोटाइप होगा। सबके क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सबके क्रोमोसोम पर ये इस तरीके से जीन प्रेजेंट होगा, और दो अलील प्रेजेंट होंगे सबके अंदर होंगे। ठीक है, पर सबके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। जैसे अब आप जैसे एलिफेंट की बात कर रहे हो, तो एलिफेंट में ये जो आपका जीन है, ये ट्रंक का जीन है, उसकी जो ट्रंक होती है, ठीक है, सूंड जो होती है, दैट इज, तो ह्यूमन में ये नहीं होगा, लेकिन एलिफेंट के अंदर ये है, एलिफेंट में ये वाला ट्रंक का जीन है। ठीक है, ट्रंक बड़ी है छोटी है, वो उसके अलील हो गए। ठीक है, ये अलील हो गए।
कैसी है ट्रंक, मोटी है पतली है वो अलग बात है। तो जितने भी एलिफेंट है ना इस वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड, सबके क्रोमोजोम के इसी इसी पर्टिकुलर नंबर का क्रोमोजोम, यही पर्टिकुलर नंबर का क्रोमोजोम सब एलिफेंट में, और सबकी इसी जगह पर ट्रंक का जीन होगा, ट्रंक का जीन प्रेजेंट होगा सबके अंदर। तो इसीलिए आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जब गैमिट बनता है, ठीक है, तो उस गैमिट में उसी के तो जीन होते हैं। ये जो हम बार बार जीन है, ह्यूमन जीन की बात कर रहे थे ना, ब्राउन आई या ग्रे आई या स्ट्रेट हेयर कर्ली हेयर, तो ये अलील किसके अलील है, या ये जीन जो है वो किसका जीन है? अगर एक की बात करें ये सेपरेट सेपरेट, तो ये अलील है, और अगर इन दोनों को साथ लिया हो तो दोनों की लोकेशन सेम हो जाएगी, ये इस जगह ये दोनों साथ में आ जाएंगे जब, ठीक है, तो दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, जीन, और सेपरेटली क्या बोलने वाले हम, अलील बोलने वाले हैं। सो सारे ऑर्गेनिज्म में ये चीज चलती है। तो जो गैमेट बनता है, ठीक है, जो गैमेट बनता है, ये गैमेट बन रहे हैं, एलिफेंट में भी ऐसे ही गैमेट बनेंगे, हालांकि उसमें कर्ली हेयर नहीं होते, उसमें कुछ और हो जाएगा, फोर लेग्स हो जाएंगे या टेल हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, बट क्या कैरी कर रहे हैं ये गैमेट, ये गैमेट कैरी कर रहे हैं अलील या जीन, सीधी सी बात है। अगर आप एक एक की बात करोगे, आपने जीन और अलील बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जब आप अगर दोनों की साथ में बात कर रहे हो, कैरेक्टर की बात कर रहे हो, तब तो आप उसे जीन बोलोगे, और अगर आप वेरिएंट की बात कर रहे हो कि किस टाइप का जीन है, तो आप उसे अलील बोलोगे, वो चीज आपने अच्छे से पढ़ रखी है। सो हर गैमेट क्या कैरी करता है, गैमेट कैरी करता है जीन, या हम कह सकते हैं गैमेट अकेला होता है, ये गैमेट है, ये गैमिट है, तो अभी अलग अलग है ना, तो वेरिएंट है, जैसे ये आपका हेजल आई हो गया और ये इसका ब्राउन आई हो गया, तो अब जब अलग अलग बात करें तो जीन नहीं बोल के अलील बोल सकते, एक ही चीज है। जब दोनों साइड पे बात करेंगे तब जीन की बात करेंगे, और जब सेपरेट बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, अलील की बात करेंगे, वही चीज है। तो गैमिट जीन, या कह सकते हैं अलील कैरी कर रहा है, ठीक है। सो अलील एलिफेंट का जो गैमिट है, एलिफेंट का गैमिट है, या एलिफेंट का या मैंगो का जो गैमिट है, ठीक है, तो एलिफेंट का गैमिट किसका अलील, किसके अलील कैरी करेगा, एलिफेंट के, ठीक है। अभी हमारा हमारी सेल जो है ना, ह्यूमन सेल, उसका कैरियोटाइप आपने देख रखा था, ठीक है, 23 पेयर, उसमें अगर आप देखोगे कि टेल का कहीं जीन मिल जाए, मुझे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा जीन है ही नहीं वो, ठीक है। या आप देखो कि मैंगो का है, जैसे लीफ होती है मैंगो की, तो मैंगो का गैमिट मैंगो का अलील या मैंगो का जीन कैरी करेगा, ठीक है, जीन या अलील लिख दो, अलील वही है अगर अलग सेपरेट बात कर रहे हैं तो, बाकी है सेम चीज, तो ये इसका कैरी करेगा, ठीक है। अब मैंगो के कैरियोटाइप में, कैरियोटाइप आप समझते हो, तो फोटो ऑफ क्रोमोसोम, सारे जितने भी क्रोमोसोम है अलाइन हो जाते हैं अच्छे से, और उनकी फोटो खींच ली जाती है। तो जब आप ढूंढने की कोशिश करोगे मैंगो में कि क्या मैंगो के अंदर आई कलर का जीन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंगो में थोड़ी होता है, या ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन के कैरियोटाइप में अगर आप लीफ का कोई जीन ढूंढने की कोशिश करोगे, तो हमारे कैरियोटाइप में जीन नहीं होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो गैमेट बन रहा है, ठीक है बच्चों, जो भी ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, पी का प्लांट है, टोमेटो का प्लांट है, ह्यूमन है, तो जिस ऑर्गेनिज्म का गैमेट बन रहा है उसमें उसी का क्या होगा, जीन होगा, और वो जीन ही आगे जा करके गैमेट जो है वो ही आगे जा करके क्या बनाएगा, उसकी ऑफस्प्रिंग बनाएगा, प्रोजेनी बनाएगा। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या शो करेगी, उस ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर ही तो शो करेगी। तो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में किस तरीके से जीन का फ्लो होता है, ये हमने देख रखा है, किस तरीके से जीन जाता है या आगे की तरफ बढ़ता रहता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जीन, या इनहेरिटेंस वर्ड को हम हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। आपने हेरिडिटी वर्ड सुना होगा, इनहेरिटेंस को हेरिडिटी बोल सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी ऑफ जीन, जीन की किस तरीके से हेरिडिटी चल रही है, या जीन कैसे इनहेरेंट हो रहे हैं वन पेरेंट टू अनादर पेरेंट, बहुत ज्यादा पीढ़ियों तक या बहुत ज्यादा जनरेशन तक चले आ रहे हैं। एंड वो किसकी वजह से है, क्योंकि जब भी गैमेट बनेगा हमेशा वो जीन जो है वो आगे गैमेट के थ्रू क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। सो यहाँ तो कोई डाउट आ रहा है बच्चों, फटाफट बता दो मेरे को, कोई डाउट आ रहा है? नो मैम, नो मैम। ओके चलो,
चलिए नेक्स्ट अपना, कोई भी डाउट आए ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए, वैसे हेरिडिटी आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फिर आपके ग्रैंडफादर हुए, फिर आपके फादर हुए, फिर आप हो, फिर आगे प्रोजेनी चलती चली जाएगी, तो वो जीन जो है वो आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है जीन में कभी कुछ चेंजेस आ जाए म्यूटेशन की वजह से, बट लोकेशन तो चेंज नहीं होती हमारी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लो, जेनेटिक्स अच्छे से कर लो। देखो ये आपको याद करना है चार्ट, ये एनसीईआरटी का चार्ट है, एंड यहाँ पर 2N नंबर दे रखा है, मतलब मियोसाइट। मियोसाइट या हम इसको पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये जस्ट आपको नंबर याद रखना है। ये है गैमेट मदर सेल। क्या है? गैमेट मदर सेल क्या होती है? बॉडी की सारी सेल, ऑल सेल ऑफ बॉडी। कैसी होती है बॉडी की सारी सेल? 2N होती है, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, नेल्स, सब कुछ। ठीक है, और उसमें से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें भी सारी सेल 2N होती है, इवन टेस्टिस की सेल भी 2N होती है, बट सारी की सारी सेल तो बॉडी की रिप्रोडक्शन में नहीं जाएगी ना, सारी सेल थोड़ी जाएगी रिप्रोडक्शन में, कि हेयर भी रिप्रोडक्शन में जा रहा है और नेल भी रिप्रोडक्शन में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। रिप्रोडक्शन में तो या तो सिर्फ टेस्टिस की सेल जाएगी, या किसकी जाएगी, ओवेरीज की जाएगी, और दूसरी तो जानी नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्टिस और ओवेरी की सेल भी क्या होती है? 2N होती है। ठीक है, अभी 2N है डिप्लॉइड, और इस 2N को क्या बोलते हैं हम? गैमेट मदर सेल या मियोसाइट। ठीक है, अब ये आगे जाकर के किस में जाएगी? ये मियोसिस में जाएगी, और मियोसिस में जाने के बाद फिर वो क्या बनाएगी? वही एलील एक्सचेंज होंगे एंड ये सारी चीजें होगी, NN बनाएगी। तो ये ह्यूमन का मियोसाइट का नंबर है, यानी बॉडी की सारी सेल इंक्लूडिंग वो सेल जो गैमिट बनाने वाली है। ठीक है, मियोसाइट तो ओनली गैमिट मदर सेल के लिए आया, इसके अलावा भी जितनी भी सेल होती है, हेयर, किडनी, टंग, लीवर, जो भी एवरीथिंग, सब 2N होती है। ठीक है, बट ये मियोसाइट किसको बोला है? जो रिप्रोडक्शन में चली जाएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन में चली जाएगी तो 46 है तो कितनी बनाएगी? 23 23 की 2 बना लेगी, 23 की एक और 23 की एक, तो एक गैमिट है ना। 46 कितने गैमिट बनाती है? 4 गैमिट बनाती है। आपको पता है ना, आपने मियोसिस पढ़ा था, फाइनली हमारे 4 गैमिट बनते थे, ये 4 गैमिट बन रहे थे, 1 2 3 एंड 4, ये प्रोसेस हमने पढ़ा है, जितना रिविजन देखोगे आपको उतना ही फायदा है। तो 4 बना रही है, लेकिन एक गैमिट कितने नंबर का होगा? गैमिट हमेशा हाफ होता है, ये 2N है तो गैमिट कितने का होगा? N का। ठीक है, तो 4 बनाएगी, लेकिन ये एक गैमिट के बारे में पूछ रहा है, दैट इज 23। हाउस फ्लाई का सारी सेल 12 नंबर की होती है, उसकी गैमिट प्रोडक्शन करने वाली सेल जो होती है, गैमिट मदर सेल, वो 12 की होती है। सो हाफ नंबर क्या होगा इसका? इसका एक गैमिट में कितना क्रोमोसोम होगा? ठीक है, ये 12, टोटल 12 क्रोमोसोम है, ऐसे 12 क्रोमोसोम बना दो, 1 6 पेयर, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया इसका कैरियोटाइप, इस तरीके से इसका कैरियोटाइप हो गया। ठीक है, बट गैमेट तो हाफ से बनता है, हाफ हो जाएगा नंबर, ये इस तरीके से हाफ हो जाएगा, हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा, मतलब टोटल 4 बनेगी। तो इसका गैमेट कितना होगा? इसका गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 6। ठीक है, रेड है, रेड का सिर्फ गैमेट का नंबर दे रखा है कि गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम हाफ हो जाते तो ओरिजिनल जो मियोसाइट होगी वो कितनी होगी? फिर इसकी 21 की डबल कर दो, 42 हो जाएगी। डॉग है 78 तो इसका हाफ कर दो, कैट है 19 या हाफ है तो इसका जस्ट डबल कर दो। तो ये या आपको याद करना है अच्छे से, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबका याद करना, और यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको ही करना है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये फिल करना है, दिस इज योर होमवर्क, मेरे को फिल करके फोटो खींच के भेजोगे, बुक में फिल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं, हो सकता है आपको फोटो भेज दो और मुझे फिल करके वापस भेज देना। सो ये आपका नंबर है क्रोमोसोम का, और गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, और ये वाली वो वाली सेल है जो रिप्रोडक्शन में जाने वाली है, और बाकी भी सेम इसका क्रोमोसोम का नंबर रहता है। चलो अब एक क्वेश्चन आ रहा है वापिस, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन साइंटिफिकली, आपको आंसर दे सकते हो आप आज। ठीक है, अब दे सकते हो कि वाई सिबलिंग, सिबलिंग्स मतलब हमारे भाई बहन जो हैं, वो हमसे सेम भी होते हैं, बिल्कुल पता चलता है, आपको पता चल जाता है ना, ये इसका भाई है, ये उसकी बहन है। ठीक है, सेम एकदम से देख के पता चल जाता है।
और डिफरेंट भी है, क्योंकि बिल्कुल सेम होंगे तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है, तो सेम भी है और डिफरेंट भी है, ये बिल्कुल फैक्ट है। हम ह्यूमंस भी एक्चुअली में सब सेम है। आपकी दुनिया में कोई भी ह्यूमन हो, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, किसी भी रेस का हो, आप उसको ये तो देख के पहचान लोगे ना कि ये इंसान है, ये ह्यूमन है, ये होमोसेपियन है। यू कैन आइडेंटिफाई देम। सेम तो है ही, लेकिन डिफरेंट भी है। ये चीज सिबलिंग्स के लिए भी बच्चों अप्लाई होती है, और वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन है हम सबके लिए अप्लाई होती है। मैम, हम सब एक दूसरे से सेम है। आप एक ह्यूमन और एक चिंपैंजी में डिफरेंस कर सकते हो आराम से, कि ये इंसान है, ये होमोसेपियन एंड दैट इज चिंपैंजी। और ह्यूमन में भी फिर फर्क कर सकते हो कि अच्छा आप क्यों पहचानते हो अपने आसपास वालों को। ये तो पहचान रहे हो कि कोई इंसान रैंडम कोई जा रहा है तो आप देखोगे अच्छा कोई इंसान जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपका कोई पहचान का या रिलेटिव या कोई फ्रेंड आ जाएगा तो आप उसे पहचान लोगे उसका फेस देख करके, या जो भी आप जैसे भी पहचानते हो, ठीक है। तो सेम तो है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, बट डिफरेंट है। क्यों सेम है एंड क्यों डिफरेंट है, मेरे को आंसर दो चैट बॉक्स में। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। व्हाई वी आर सेम आवर सिबलिंग्स और ऑल ह्यूमंस, एंड व्हाई वी आर डिफरेंट, क्या रीजन है? साइंटिफिकली दोगे, जीन वगैरह सबका निकाल करके कंक्लूजन, ऐसे डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखना है, साइंटिफिक आंसर होना चाहिए। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चैट बॉक्स में फटाफट। टाइम इज ओवर। टाइम इज ओवर। देखो इसका सही आंसर क्या है, कि जो आंसर दिया है मुझे आप में से एक स्टूडेंट ने, कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो दिखते पर किसी में डोमिनेंट दिखे ही नहीं, तो किसी में डोमिनेंट दिखे ही नहीं तो डोमिनेंट शो ही नहीं हो, तो डोमिनेंट जाए नहीं तो क्या होगा, ठीक है। सो हम वो पूरा आंसर मैं लिखना भूल गया, तो ओके सो मैं अभी लिख रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। ये देखो, ये हमारा कोई रैंडम अलील है, ठीक है, और ये हमारा कोई रैंडम जीन है, ये हमारे सिबलिंग का कोई रैंडम जीन है। रैंडम मतलब अगर हमने फोर्थ पेयर लिया है तो इसको भी फोर्थ पेयर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि अलील तो वहीं पर प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा कि फोर्थ पेयर पर अगर आई का प्रेजेंट था हमारा, ठीक है, पूरे इंसान का जितने भी ह्यूमन है, जेंडर और एज से कंसिडर ही नहीं करना, सबके यहीं पर होगा फोर्थ नंबर पर अगर आई हो रही है तो, ठीक है। अब आप एक चीज से बचे हुए, आपको ये याद नहीं करना है कि ह्यूमन में कौन से पेयर पर कौन सा जीन होता है, ये याद नहीं करना अपन लोगों को, बस ये एज्यूम कर लेना है। तो अगर एक इंसान के फोर्थ पेयर की इस जगह पर किसका जीन है, आई कलर डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, आई कलर डिटरमाइन हो रहा है, तो इसके भी क्या डिटरमाइन होगा, आई कलर, ठीक है। और कोई इंसान जो हमारे खानदान का है ही नहीं, बहुत ही दूर का है, कोई चाइनीज है, ठीक है, तो उसका भी क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पर, आई कलर।
हमारा आई कलर अगर यहाँ से डिटरमाइन हो रहा है और हमारा सिबलिंग का अगर आई कलर यहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, हमारे खानदान में कोई भी जिसका आई कलर यहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, तो चाइनीज ले लो, अफ्रीकन ले लो, नीग्रो ले लो, कोई भी ले लो, जिसका आई कलर यहीं से डिटरमाइन हो रहा है, 4 नंबर से डिटरमाइन होगा, 4 नंबर के क्रोमोसोम के इसी जगह से डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है, हर इंसान में सेम लोकस सेम है, मतलब जीन की जगह सेम है, और जीन भी ये ठीक है, या जीन या लोकस या फिर कैरेक्टर, ठीक है, या लोकेशन, ये सब कुछ क्या है, सेम है ना, बिल्कुल इसी जगह से डिटरमाइन होगी। तो एक चीज तो क्या सेम है हर इंसान में, लोकस लोकेशन सेम है हम सब में, हमारी आई, आपकी आईज यहाँ पर होती है, दूसरे जितने भी इंसान है सबकी आई वही होती है कि कहीं और देखिए तुमने कि कहीं और पहुंच गई उसकी आई, ऐसा तो नहीं है। तो लोकेशन सेम है इसलिए हर इंसान सेम है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हमारे जो सिबलिंग्स हैं वो हमारे ज्यादा करीब क्यों हैं, ज्यादा सेम क्यों दिखते हैं हमारे भाई बहन, ठीक है। सेम इसलिए दिखते हैं कि कई बार हमारे अलील, देखो सारे इंसान तो सेम इसलिए दिखेंगे क्योंकि लोकेशन सेम है जीन की, 4th नंबर के क्रोमोसोम की इस जगह से अगर आई कलर डिटरमाइन हो रहा है तो दुनिया में जो भी इंसान है उसका जो भी आई कलर हो, आई कलर के हमने बहुत सारे अलील देखे, ग्रे एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड पर्पल, एंड पर्पल भी कई बार शेड्स अलग अलग हो जाते हैं, जगह यही है, तो लोकेशन तो सब में सेम है, इसलिए ह्यूमन तो तुमको सेम ही दिखेगा। हेयर का लोकेशन वही है, सिर पे जो हेयर होते हैं, नोज का लोकेशन वही है, ऐसा थोड़ी कि किसी की नोज आपके फेस के बैक साइड में चली गई, 5 फिंगर्स हैं तो फिंगर्स का लोकेशन वही, किसी की 6 भी होती बट लोकेशन तो वही है, टूथ का लोकेशन वही है, लोकेशन वही है, तो सारे ह्यूमन सेम है। अब हमारे सिबलिंग क्यों सेम दिखते हैं, क्योंकि अगर हम नीग्रो की बात करें तो नीग्रो में यहाँ पर जो अलील चले आ रहे हैं आई के वो ब्लैक है बच्चों ज्यादातर के, ठीक है। जब अगर आप अमेरिकन की बात करते हो तो ये जो अलील चले आ रहे हैं ना अमेरिकन में, ये ग्रीन या ब्लू है, ठीक है, और उनके और शेप भी आई का पर्टिकुलर, ये शेप है सपोज करो तो आई का शेप जो नीग्रो में चलता है, जो अफ्रीकन ब्रीड होती है ज्यादातर उनमें शेप पर्टिकुलर वही शेप चलता है, लोकेशन तो वही है पर शेप थोड़ा सा अलग है। अफ्रीकन जो उनकी आईज, अमेरिकन जो उनकी आईज थोड़ी सी छोटी होती है, लिटिल बिट स्मॉल आई, ठीक है, तो लोकेशन तो वही है, इसी जगह से आई का शेप डिटरमाइन होगा और इसी जगह से आई का कलर डिटरमाइन होगा। तो लोकेशन तो सब में सेम है पर शेप में फर्क है। अब हमारे सिबलिंग्स में क्या है, अगर हमारी आई ब्राउन है तो हमारे सिबलिंग्स में भी मोस्ट ऑफ की आई क्या होगी, ब्राउन होगी, किसी की अलग भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा जो शेप है आई का, हमारे सिबलिंग का जीन या अलील सेम होने की वजह से क्या होगा, ऑलमोस्ट शेप भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम सारे इंसान क्यों सेम है, क्योंकि हमारा लोकेशन सेम है, लेकिन हमारे सिबलिंग से हम क्यों सेम है, क्योंकि लोकेशन तो सेम है, लोकेशन तो वही होगी, वो तो पक्की बात है, दुनिया में हर इंसान की लोकेशन सेम होती है, बट हमारे मोस्ट ऑफ द अलील्स सेम है, ये ध्यान रखो, हमारे अलील्स आर सेम, जो भी ब्राउन कलर उसका आई का है तो हमारा भी मोस्ट ऑफ द ब्राउन ही होगा, जो हाइट हमारे सिबलिंग की है उसके आसपास ही हमारी ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपने फर्क देखा होगा कि कोई एकदम 6 फीट 4 इंच हो गया और कोई एकदम 5 फीट, वो डिफरेंस सिबलिंग्स में मोस्ट प्रोबेबल नहीं होता। तो दुनिया के सारे इंसानों से हम इसलिए सेम है क्योंकि हमारे लोकेशन सेम है, ठीक है, और हम कैरेक्टर भी सेम शो करते हैं, मतलब आई कलर का अलील यहाँ पर है तो आई कलर का अलील यहीं पर होगा और कहीं नहीं होगा, जितने भी इंसान है इस दुनिया में आई कलर का अलील कहीं नहीं जाने वाला है, बट अलील आई कलर का जीन कहीं नहीं जाने वाला है ना, हमने पढ़ा था जीन कैरेक्टर लोकेशन वो सेम चीज होती है। तो 4th नंबर की साइड से डिटरमाइन हो रहा है तो 4th क्रोमोसोम की इसी साइड से आई का कलर डिटरमाइन होगा, बट अलील अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे में जीन, सारे इंसान में लोकस सेम है, मतलब सारे इंसान में क्या सेम है, जीन सेम है, आई का कैरेक्टर, आई कलर का कैरेक्टर इस जगह से डिटरमाइन होता है, तो इसलिए हम सारे ह्यूमन सेम है। बट सिबलिंग्स क्यों ज्यादा सेम होते हैं, है ना, हम हमारे सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में क्यों मिलते हैं ज्यादा, क्योंकि लोकेशन तो सेम है ही एज ए ह्यूमन बींग, बट अलील्स भी हम मोस्ट ऑफ द सेम अलील क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है उनमें इस तरीके के गैमेट बने हैं और उन्हीं गैमेट के कॉम्बिनेशन से, रैंडम कॉम्बिनेशन से उनकी प्रोजेनिस तैयार होगी, ठीक है, और ये जो प्रोजेनिस तैयार होगी ये सेम तरीके की क्या करेगी, अलील शेयर करेगी,
ये बिल्कुल सेम अलील शेयर करेगी, सेम अलील शेयर करने वाली है. सो इसलिए सिमिलरिटी ध्यान रखोगे आप में क्यों है, ह्यूमन के साथ हर इंसान के साथ आप क्यों सेम हो, क्योंकि आप सेम लोकेशन या सेम लोकस या सेम जीन या सेम कैरेक्टर शो कर रहे हो. ठीक है, मतलब आई अगर आपके जो टूथ होते हैं, जितने टूथ होते हैं ठीक है, वो जितने आपके पास हैं ठीक है, सारी ह्यूमंस में ऑलमोस्ट उतने ही होंगे, और उतने होंगे ऑलमोस्ट सेम होंगे, नंबर भी सेम होगा सबका, और वो आपके बक्कल कैविटी में होने वाले हैं सबके. और क्रोमोसोम, अगर आपके 5th नंबर का क्रोमोसोम टूथ के कैरेक्टर को या टूथ के जीन को डिटरमाइन कर रहा है, हम दोनों को जब साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जीन. ध्यान रखो, दोनों को साथ में बोलेंगे तो जीन या लोकस या लोकेशन या कैरेक्टर, टूथ का जीन, टूथ का लोकेशन, टूथ का कैरेक्टर, बट अलग अलग बात करेंगे ठीक है, अलग अलग की बात करेंगे तो टूथ भी अलग अलग टाइप की, टाइप मीन्स साइज एंड शेप में कुछ फर्क हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे ठीक है. स्मार्टनेस का कैरेक्टर पर्टिकुलर 7th नंबर मान लो, ये मैं रैंडम ले रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना है, इस नंबर पे ये होता है. यहाँ पर ये लोकेशन, ये जीन, ये कैरेक्टर, ये अलील सब इंसानों में क्या पता कर रहा है, ये इस पर्टिकुलर जगह से क्या पता कर रहा है, इस पर्टिकुलर जगह से पता कर रहा है, सपोज करो फिंगर ठीक है, ये फिंगर पता कर रहा है या स्मार्टनेस पता कर रहा है, तो ये तो क्या दोनों को बुलाएंगे साथ में, तो जीन बुलाएंगे या लोकस बुलाएंगे या कैरेक्टर बुलाएंगे, कि यहाँ से आपकी स्मार्टनेस का कैरेक्टर डिटरमाइन होता है, या यहाँ पर आपके स्मार्टनेस का क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है ठीक है. बट अलग अलग अलील हो जाएंगे, कोई ज्यादा स्मार्ट है, कोई कम स्मार्ट है ठीक है, फिजिकली कोई ज्यादा एक्टिव है, फिजिकली कोई कम एक्टिव है. सो दीज आर अलील्स. तो सारे ह्यूमन सेम क्यों, क्योंकि सारे ह्यूमन में लोकेशन, लोकस, जीन या कैरेक्टर सेम है. आपके जो कैरियोटाइप है ना आपका, योर कैरियोटाइप ठीक है, यानी फोटो ऑफ योर क्रोमोसोम विच इज टेकन इन मेटाफेज कंडीशन, तो आपके कैरियोटाइप में किसी भी ह्यूमन के कैरियोटाइप में लीफ शेप का लील या लीफ शेप का जीन थोड़ी मिलेगा. लीफ लीफ शेप होती है क्या, हमारे अंदर लीफ होती है क्या, तो आपको किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर लीफ का जीन, दोनों को साथ में बोलते हैं जीन, बार बार याद रखना, दोनों को साथ में बोलेंगे जीन. लोकेशन मतलब ये पर्टिकुलर जगह, इसी जगह पर क्या डिटरमाइन हो रहा है, हमारा कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है ठीक है. ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा ना लीफ का, क्योंकि ह्यूमन में लीफ का कैरेक्टर है ही नहीं, ह्यूमन में कौन सी लीफ होती है जो उसका कैरेक्टर डिटरमाइन होगा. तो सेम बिकॉज सेम वी शेयर सेम लोकेशन और सेम लोकस और सेम जीन और सेम कैरेक्टर ठीक है, वो तो ह्यूमन होने की वजह से. अब हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है ह्यूमन, बिकॉज लोकेशन तो हम सेम सेम शेयर कर रहे हैं, बट ये हम है और ये कोई नीग्रो हो गया. अब आपकी जो आई कलर है वो ब्राउन है और शेप भी आई कलर का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट नीग्रो का आई कलर तो उसी जगह से डिटरमाइन हो रहा है, उसी नंबर के क्रोमोजोम की उसी जगह से डिटरमाइन हो रहा है, उसी नंबर के क्रोमोजोम की उसी जगह से नीग्रो का भी डिटरमाइन हो रहा है. बट आपकी अगर अलील ब्राउन आई का है ठीक है, तो इनका अलील क्या होगा, ब्लैक आई का होगा, दे हैव ब्लैक आई अलील. और आपका शेप कुछ अलग होगा, सपोज करो ऑलमोंड शेप हो गया, तो इनका शेप कुछ अलग टाइप का होगा ठीक है. तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये आपसे डिफरेंट सेम क्यों है, क्योंकि आप सेम अलील सेम जीन शेयर कर रहे हो, आई कलर का आई कलर का, आई शेप का आई शेप का. डिफरेंट क्यों हो, क्योंकि आप नीग्रो से क्यों डिफरेंट हो, क्योंकि आपके अलील अलग है, आपकी ब्राउन कलर की आई है, उनकी ब्लैक कलर की आई है, आपका कुछ अलग आई का शेप है और उनका कुछ अलग आई का शेप है, बट उनके पास भी आई कलर का जीन है, आई कलर का जीन, और आपके पास भी आई कलर का जीन है, आपके पास आई के शेप का जीन है, जिस जगह पर उनके पास भी आई की शेप का जीन है उसी जगह पर, बट अलील डिफरेंट. बट आप अपने सिबलिंग के सेम क्यों हो, आप अपने सिबलिंग के इसलिए सेम हो बिकॉज आप अपने सिबलिंग के इसलिए सेम हो बिकॉज ये आपका सिबलिंग है, क्योंकि अगर आपका ब्राउन कलर का अलील है तो उनका भी ब्राउन कलर का अलील है, और अगर आपका आई का जो शेप है वैसा ही ऑलमोस्ट आपके सिबलिंग का भी आई का शेप होगा. सो रिमेम्बर, ऑल ह्यूमंस आर सेम बिकॉज ऑफ लोकेशन,
और जीन और कैरेक्टर, कैरेक्टर जो 20,000 आप में मिलते हैं, ठीक है, 20,000 कैरेक्टर या 20,000 जीन, वो सारे ह्यूमंस में मिलेंगे, बच्चा हो बूढ़ा हो, मेल फीमेल। आप हर ह्यूमन से या डिफरेंट रेस से, रेस मतलब अमेरिकन अलग हो गए, चाइनीज अलग हो गए, नीग्रो अलग हो गए, क्यों डिफरेंट हो? क्योंकि कैरेक्टर तो हमारे पास सेम है, इसीलिए हम सब ह्यूमन है, बट उनके कुछ अलग अलील्स होंगे, ब्राउन ब्राउन। जैसे अब आप बात करो अमेरिकन की, तो अमेरिकन में तो ब्लू आई और ग्रीन आई चलती है, ब्लू आई ग्रीन आई, तो जीन तो सेम शेयर कर रहे हो ना, मतलब आई कलर तो उनका भी है, और इसी जगह से अगर आपके 7th नंबर का क्रोमोजोम है तो उनके भी 7th नंबर की क्रोमोजोम की इसी पर्टिकुलर जगह पर आई का कलर डिटरमाइन होगा। ये अलग बात है कि उनकी आई ग्रीन होती है या ग्रे होती है या ब्लू होती है, ठीक है। हमारी ब्राउन थी, न्यूग्रो की ब्लैक थी, इनकी ग्रीन ब्लू थी, ठीक है, तो हम डिफरेंट है। बट सिबलिंग के क्यों सेम है? क्योंकि सारी सिबलिंग की आईज कैसी होने वाली है? ब्राउन ब्राउन ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, इट्स ओके, बट ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। तो हम सिबलिंग्स की क्यों सेम है? डिफरेंट इसलिए है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है कई बार, किसका? अलील का, जीन का डिफरेंस नहीं बच्चों, अलील का। आई कलर कभी किसी की ब्लैक हो गई, कभी किसी की ब्राउन हो गई, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलील्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो सेम इसीलिए है क्योंकि हमारे जीन सेम है या हमारा कैरेक्टर सेम है, ठीक है, जीन आर सेम, या फिर लोकेशन सेम है, ठीक है, या 20,000 अलील, हर 20,000 जीन या 20,000 कैरेक्टर हर ह्यूमन क्या करता है? एक दूसरे से शेयर कर रहा है इन क्रोमोसोम के ऊपर, दैट्स वी आर सेम। बट डिफरेंस होने का क्या वजह है? अलील अलग अलग हैं, यानी जगह तो यही है लेकिन अलग अलग हैं, किसी की ग्रीन आईज हैं, किसी की ब्लू है, बट हमारी सिबलिंग्स के साथ, हमारी सिबलिंग्स के साथ हम लोकेशन तो सेम शेयर कर ही रहे हैं, वो तो हर इंसान के साथ कर रहे हैं, बट जो हमारी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, उनके साथ हम अलील भी सेम शेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अलील क्या होते हैं? बिल्कुल सेम। कम्प्लेक्शन का अलील ले लो, आई कलर का अलील ले लो, आई शेप का कलर ले लो, आई शेप का अलील ले लो, हेयर कलर का अलील ले लो, हाइट का अलील ले लो, दैट इज द रीजन वी आर शेयरिंग सेम अलील, ठीक है। जितने भी हमारे सिबलिंग्स हैं उनके साथ हम अलील सेम शेयर कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के हर इंसान के साथ हम जीन या कैरेक्टर सेम शेयर कर रहे हैं, लोकेशन हम सेम शेयर कर रहे हैं, और सिबलिंग्स के साथ हम अलील सेम शेयर कर रहे हैं, दैट इज द रीजन ऑफ लुकिंग सेम एंड लुकिंग डिफरेंट एट द सेम टाइम। समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, इतना ठंडे ठंडे क्यों बोल रहे हो? कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं मैम। मिसबा बेटा, आ रहा है समझ में? सुपरफिशियल तो नहीं? यस मैम, आ रहा है। हाँ हाँ, आ गया आ गया, लेकिन अंदर से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो? देखो अपन सब, नहीं नहीं आ गया आ गया, अपन सबकी ब्राउन आईज क्यों है? सबकी है ना, ऑलमोस्ट हम सबकी ब्राउन आईज है या ब्राउन स्किन है। क्यों है हम सबकी ब्राउन स्किन? क्योंकि हम सब इंडियन ब्रीड में आते हैं, ठीक है, इंडियन ब्रीड सारी ऐसी होती है। तो हम सबके यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम है 7th नंबर का, यहाँ पर हम सबकी आईज का आई कलर है, ठीक है, आई कलर, ठीक है। सो आई कलर हम सबका क्या है? डिटरमाइन हो रहा है, हम सबका आई कलर डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन हमारा जो इंडियन ब्रीड है ना, उन सबका आई कलर ऑलमोस्ट ब्राउन ही जाता है या ब्लैक जाता है। तो हम अलील क्या कर रहे हैं? सेम शेयर कर रहे हैं, मतलब ये लोकेशन जितनी भी वर्ल्ड में जितने भी इंसान है उनकी 7th नंबर की क्रोमोसोम की इसी जगह पर आई कलर डिटरमाइन हो रहा है। किसी का ब्राउन हो रहा है, किसी का ब्लू हो रहा है, किसी का ब्लैक हो रहा है, किसी का हेजल हो रहा है, किसी का ग्रे हो रहा है, किसी का और अलग आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम सिर्फ क्या क्या शेयर कर रहे हैं? कैरेक्टर, की कैरेक्टर तेरे पास भी है, तेरा भी आई कलर है, मेरा भी आई कलर है, दुनिया में हर इंसान का आई कलर है, या जीन, तेरे पास भी आई कलर का जीन है, मेरे पास भी आई कलर का जीन है। बट हमें कॉमन क्या है इंडियंस में, कि हमारे अलील क्या है? बिल्कुल सेम है, और सिबलिंग्स के अलील तो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, सारे अलील सेम हो जाते हैं सिबलिंग्स के, मेरे और आपके आई कलर के अलील सेम है, लेकिन आपके सिबलिंग्स के और आपके बहुत सारे अलील सेम होंगे। कई बार तो क्या होता है कि आपकी कम से कम 90% अलील सेम हो जाते हैं। और ट्विंस क्यों सेम दिखते, पता है आपको? ट्विंस, वाई ट्विंस आर सेम,
क्योंकि ट्विंस के 99.99% अलील सेम हो जाते हैं, लोकेशन तो सेम है, जीन तो हमारा सबका ही सेम है ना, मेरा जो 7 नंबर पर है वर्ल्ड में सबका वो 7 नंबर पर, आपका भी वही 7 नंबर पर है, तो आपके ट्विंस का भी वही 7 नंबर पर होगा, बट ट्विंस के जो अलील है वो दो ट्विंस के अलील 99.99% अलील सेम है, सेम कर्ली हेयर या स्ट्रेट हेयर या ब्राउन है, ब्राउन आई, तो दोनों में अलील क्या होते हैं, सेम होते हैं ट्विंस में, ये ध्यान रखना है, ट्विंस में क्या सेम होता है, अलील आर सेम इन ट्विंस, ठीक है, कितने परसेंट, 99.99% अलील आर सेम, ठीक है। बच्चों अब मेरे को ये बता दो कि नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू कर लूँ क्या, 2-3 मिनट बाद थोड़ा सा मेंडल पढ़ा देती हूँ आपको, हाँ बोल दोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट अभी कंटिन्यू कर दूंगी 2 मिनट के ब्रेक के बाद, नहीं तो फिर मैं बाद में लूंगी, मेरे को बता दो, मेंडल स्टार्ट करना था। यस मैम, कर दो, कर दो, ओके मैम, ठीक है, हाँ ना, 9:13 हो रही है, ये मैं क्लोज कर रही हूँ, जस्ट आपको 2-3 मिनट्स बाद में आपको नया लिंक भेज देती हूँ, तो मेंडल स्टार्ट कर देते हैं, ओके मैं भेज रही हूँ लिंक, ओके।